वाराणसी में विवादित ज्ञान वापी परिसर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसमें अयोध्या की तरह ज्ञान वापी में भी मंदिर का ढांचा मिलने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा हुआ आपको बताते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञान वापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार ज्ञान वापी में मस्जिद की वर्तमान संरचना के निर्माण से पहले बड़ा हिंदू मंदिर था। सर्वे रिपोर्ट में ज्ञान वापी परिसर में जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख मिले हैं। रिपोर्ट में महामुक्ति मंडप लिखा है। ASI का कहना है कि ये मंदिर होने का बड़ा और मजबूत संकेत है। ज्ञान वापी में मंदिर होने की पुष्टि होने पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी ये भी पता चल गया है। अब कुछ हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि अब सील बजू खाना की ASI सर्वे की मांग सुप्रीम कोर्ट से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ASI ने सर्वे के दौरान एक पत्थर पाया जो टूटा हुआ था। ऐसे में जादूनाथ सरकार की फाइंडिंग को सही पाया गया है। 1669 में 2 सितंबर को मंदिर ढाया गया था। पहले के मंदिर के जो पिलर थे उनका इस्तेमाल मस्जिद के लिए किया गया। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया था। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों का बिना ज्यादा बदलाव किए इस्तेमाल किया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हुए हैं। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की अपील की, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया है। दूसरी तरफ मसाजिद कमेटी की सर्वे रिपोर्ट ईमेल पर उपलब्ध कराने की मांग भी खारिज कर दी गई। दरअसल जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत ने 23 जुलाई 2023 को ज्ञान वापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। इसी आधार पर ASI की टीम ने सील बजू खाना को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया, फिर सीलबंद रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।